Infinix, the most awaited brand, has come with the new smartphone which is called as Infinix Hot 8. तो दोस्तों Infinix ब्रांड कुछ लुप्त हो चुका था मार्केट में से, पर अभी वो जो ब्रांड है वो वापस आ चुका है अपने एक नए और बेहतर और सबसे बेस्ट स्मार्टफोन को लेकर, जो जिसका नाम है Infinix Hot 8. इसकी हाईलाइटेड चीज है इस फोन की उसका प्राइस और उसकी स्पेसिफिकेशंस दोनों ही, क्योंकि 7000 इसका जो प्राइस है वो 7000 है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ब्रांड अब तक 7000 की रेंज में इतना बेहतर और इतना अच्छा स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च करा है. तो जैसे ही आपने थंबनेल देखा, मैं Infinix के सारी चीजें बताने वाला हूँ इस फोन के बारे में, तो उसके लिए देखिए पूरा वीडियो. और मुझे याद है कि मैंने जो लास्ट फोन Infinix का सबसे बेस्ट फोन देखा था वो है Infinix Note 4, और इस फोन के ऊपर मैंने वीडियोस भी अपने चैनल्स पे अपलोड किया था और इस फोन के ऊपर मैंने काफी सारे जो है वीडियोस बनाए थे और मैंने काफी दिन उस फोन को यूज किया था, तभी से मैं उस ब्रांड का फैन बन चुका था. क्योंकि Infinix Note 4 जो ऐसा फोन था हर चीज में बेस्ट था, पर उसमें एक कौन था उसके प्रोसेसर को लेकर, तो उसमें इतना अच्छा भी प्रोसेसर नहीं दिया था लेकिन उसका प्राइस था 8000. तो 8000 में हमें और क्या चाहिए था, 8000 में बेस्ट फोन जो है मुझे मिला था. तो Infinix वापस चुका अपने नए फोन के साथ और इसी फोन के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं. उसके लिए देखना होगा पूरा वीडियो, सो प्लीज वॉच द फुल वीडियो टिल एंड. आई एम नावेद एंड यू आर वॉचिंग टेकमान चैनल. लेट्स गेट स्टार्टेड. उस फोन का प्राइस तो दोस्तों आपको पता ही चल चुका होगा, जो काफी फेमस हो रहा है मार्केट में, 7000 6999. मतलब कि 7000 में आपको वो फोन क्या नहीं देता है, सब कुछ देता है आपको वो फोन. जैसे कि बात करी उसकी जो रैम हो गया, रोम हो गया, मुझे नहीं लगता कि 64GB रोम और 4GB रैम आपको 7000 में कोई ब्रांड अवेलेबल करवाता है. तो 4GB रैम उसमें आपको मिल जाती है और 64GB रोम भी आपको उसमें मिल जाता है. तो ये काफी बहुत ही हाईलाइटेड चीज निकल कर आती है उस फोन के बारे में. उसके बाद उसके स्क्रीन को लेकर देखते हैं तो IPS आपको स्क्रीन मिल जाती है और शार्पनेस स्क्रीन में मैंने Infinix ब्रांड के काफी फोन यूज किए हैं, तो स्क्रीन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, क्योंकि उसमें कलर सपोर्ट भी ज्यादा होता है, स्क्रीन की जो शार्पनेस रहती है वो भी आपको ज्यादा मिल जाती है. तो IPS डिस्प्ले आपको दिया गया है और 6.2 इंच की आपको फुल HD डिस्प्ले आपको मिल जाती है और मुझे नहीं लगता कि उसमें ड्यू ड्रॉप नॉच भी आपको मिलता है. और जो बेजल्स है इतने भी नहीं कहूँगी, इतने ज्यादा है, पर बेजल्स जो है वो कम है. तो स्क्रीन में और स्टाइल में तो काफी अच्छा आपको फोन जो है वो दिखने में मिल जाता है. उसके बाद उसके प्रोसेसर की बात करें तो मुझे एक ही Infinix ब्रांड से एक ही जो है वो प्रॉब्लम है जो उसके प्रोसेसर को लेकर. Infinix कभी भी अपने फोन्स में स्नैपड्रैगन हो जाए या फिर मीडियाटेक का कोई हायर प्रोसेसर डाल दे, ऐसा नहीं होता है, पर इस फोन में आपको मैं कहूँ कि इतना बुरा भी प्रोसेसर नहीं मिलता जो है मीडियाटेक का हेलियो P22 का प्रोसेसर मिलता है, जिस प्रोसेसर में आप पबजी मीडियम सेटिंग्स पर आराम से खेल सकते हैं और जो नॉर्मल गेम्स होते हैं जो पबजी से कम ग्राफिक्स में खेलते हैं वो आप आराम से खेल सकते हैं. और आपको साथ में जो 4GB का सपोर्ट दिया गया है उसके साथ मिलाकर आप जो है अपने गेमिंग एक्सपीरियंस इस फोन में काफी बेहतर कर सकते हैं. उसके बाद आपको बता दूं इस फोन में हाईलाइटेड चीजें ड्यूल कैमरा भी और ड्यूल फ्लैश भी. आपको फ्रंट में भी एक फ्लैश मिल जाता है और बैक में भी आपको एक फ्लैश मिलता है जो क्वाड फ्लैश, मतलब चार फ्लैश जो है उसमें आपको मिल जाते हैं एक ही फ्लैश में. तो आपको लो लाइट कैमरा, मतलब लो लाइट आपको शॉट जो है वो कैमरे की काफी बेहतर मिलेगी, क्योंकि आप अंधेरे में चार आपको फ्लैश मिल जाते हैं, मतलब कि आप अंधेरे में भी बहुत अच्छी फोटो जो है वो खींच सकते हैं. तो आपको कैमरे की बात करें तो आपको मिल जाता है 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको रेयर कैमरे मिल जाते हैं, जिसमें एक कैमरा होता है वो लो लाइट सेंसर आपको मिलता है एक कैमरा, और बाकी चार फ्लैश मिल जाते हैं और 2 कैमरे मिल जाते हैं. और अपर्चर तो 2.0 का आपको फ्रंट में मिलता है अपर्चर और 1.8 का आपको बैक में अपर्चर जो है वो मिल जाता है. तो फ्रंट कैमरे की बात करें तो आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है और उसमें भी आपको जो है वो फ्लैश जो है वो मिल जाता है. तो फ्रंट फ्लैश का आपको मैं फायदा बता दूं क्या होता है. तो फ्रंट फ्लैश की वजह से जैसे कि मैं यूट्यूब वीडियोज बनाता हूँ
कोई ब्लॉगर रहता है तो ब्लॉग जिसके पास कैमरा नहीं होता है, जिसके पास जो मोबाइल से अपने वीडियोस बनाता है, तो फ्रंट फ्लैश से आपको लाइटनिंग जो है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है, और आपको जो फ्रंट फ्लैश आपको यूज़ करके आप अपने वीडियोस को काफ़ी बेहतर लुक जो है वो दे सकते हैं। ये काम होता है फ्रंट फ्लैश का। और आप अपनी फ़ोटोज़ जो है, अगर किसी को ज़्यादा शौक है फ़ोटोज़ खींचने का, सेल्फीज़ खींचने का, तो आपको काफ़ी बेहतर जो है सेल्फीज़ आपको फ्रंट फ्लैश में मिल जाती है। उसके बाद जो कौन जो उसकी जो स्पेसिफिकेशन है, और जो मैं कहूँ कि बहुत ही हाईलाइटेड जो स्पेसिफिकेशन है वो इसके बैटरी कैपेसिटी को लेकर, क्योंकि 5000 mAh मिली एम्पियर की आपको उसमें बैटरी जो है वो प्रोवाइड की गई है इन्फिनिक्स की तरफ से, और उसका वेट जो है वो 1.78 ग्राम कुछ है, 179 ग्राम्स आपको उसका जो वेट मिल जाता है। 5000 mAh की बैटरी और वेट इतना कम, ये चीज़ काफ़ी अच्छी मैनेज की गई है उस फ़ोन में। और मैं कहूँ कि वेट कम है और बैटरी साइज बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा है, और आपको पतला फ़ोन मिल जाता है, और क्या चाहिए 7000 में। और तो 7000 में इतना तो पक्का है कि Redmi Note 8 Pro 15000 के रेंज में बेस्ट फ़ोन निकल कर आ सकता है, और ये जो फ़ोन है वो 7000, 8000 या 10000 की रेंज में बेस्ट फ़ोन आपको निकल कर आ चुका है। तो इसके बाद जो स्पेसिफिकेशन है, 5000 की mAh बैटरी, तो आप 2 दिन तो यूज़ कर सकते हैं लगभग नॉर्मल यूसेज पर। उसके बाद स्पेसिफिकेशन जो है, आपको फीचर्स जो मिल जाते हैं वो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर बैग में मिल जाते हैं, और मैंने यूट्यूब पर वीडियोज़ भी देखा था कि काफ़ी एक्यूरेट फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिलता है, फेस अनलॉक भी आपको सामने मिल जाता है, XOS का फीचर आपको मिल जाता है। मैंने जो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है XOS, वो मैंने इन्फिनिक्स नोट 4 में यूज किया था, और काफी हमिंग बर्ड जो नया अपडेट आया था उसके बाद का भी आया होगा, लेकिन मैंने जो लास्ट फीचर, जो लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया था वो हमिंग बर्ड का था। तो काफी अच्छे फीचर्स आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम, उस OS में मिल जाते हैं हमिंग बर्ड के, और XOS जो है वो फन टच OS जो वीवो का है या फिर कोई भी MIUI है उससे कंपेयर का XOS जो है वो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे फीचर्स और काफ़ी अच्छे यूज़र इंटरफेस आपको उस चीज़ में, उस OS में जो है वो मिल जाता है। उसके बाद आपको बता दूं कि लेटेस्ट तो नहीं कहेंगे पर माइक्रो USB आपको उसमें मिल जाता है, हेडफोन जैक मिल जाता है, और जो चीज़ें होती है वो मिल जाती है, पर टाइप सी सपोर्ट आपको उसमें नहीं मिलता है। माइक्रो USB सपोर्ट आपको मिल जाता है, पर उसके प्राइस को देखकर कहेंगे कि माइक्रो USB ठीक ही है, काफ़ी बेहतर भी नहीं, मतलब चल जाएगा इस हिसाब का है, क्योंकि आपसे कुछ 20000 या 15000 वो ब्रांड नहीं ले रहा है, आपसे 7000 लेकर आपको जो आपकी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उस फ़ोन में, जो आपको नेसेसरी चीज़ें वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ कॉन्स नहीं है, कॉन्स है, पर इसकी प्राइस को लेकर अगर कोई कौन इसके निकाल कर बताता है तो मैं शायद अच्छा न लगे, क्योंकि प्राइस भी कम है और आपको अच्छे फीचर्स भी दे रहा है, अच्छे स्पेसिफिकेशन भी ब्रांड दे रहा है, तो उसके कौन निकाल कर आपको बताए, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे नहीं लगती कि बताना चाहिए, क्योंकि प्राइस भी आपको कम ले रहा है वो ब्रांड। और अगर आपको चाहिए कि मैं उसके कॉन्स के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, कि आप मुझे बोल सकते हैं कि उस ब्रांड के कॉन्स जो है वो मैं उस फ़ोन के जो हॉट 8 फ़ोन है उसके कॉन्स मैं आपको वीडियो में बताऊँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके कॉन्स की भी वीडियो बना दूँ, और आपके कमेंट्स के ऊपर वो डिपेंड करता है कि जितने कमेंट आए उस हिसाब से मैं वीडियो बना दूँगा। तो ये सारे फीचर्स थे और ये सारे इसके स्पेसिफिकेशन थे, और बहुत ही जल्द अनबॉक्सिंग होने वाली इस फ़ोन की मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ ट्यून रहे इस चैनल से और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मैं अपने वीडियोज़ में नहीं बार बार नहीं बोलता रहता सब्सक्राइब करो, लास्ट में एक बार बोल दो बस हो जाता है, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको, और मुझे शायद बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, क्योंकि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लोग सब्सक्राइब करते हैं, और इस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कोर्स, तो सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री है, आप फ्री में सब्सक्रिप्शन जो है वो कर सकते हैं, और लाइक कर दीजिए, मेरा ज़्यादा नहीं रखूँगा 20 लाइक्स इस वीडियो को दे दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप मेरा अगला वीडियो भी देखें, और देखते रहिए टेकमान चैनल। हम फिर से मिलेंगे मेरे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए विल मीट सून।